वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे CSIR नेट के लिए। आप लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, क्वेरी भी आ रही थी कि सर CSIR नेट के लिए कोई कोर्स लॉन्च करो। देन सही बताऊँ तो आप लोग जितना ईगरनेस से वेट करते उससे ज़्यादा कहीं हम लोग ईगर हैं इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँ कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या फैसिलिटी आपको देंगे, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा और किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। बट बिफोर गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन फॉर दिस कोर्स, आई मस्ट टेल यू अबाउट समथिंग फॉर अवर चैनल। हम लोगों ने चैनल स्टार्ट करा था 2018 सितंबर में। जो लोग हम लोगों से उस टाइम से जुड़े हैं वो लोग बहुत अच्छे से हमारे काम करने के तरीके को जानते हैं, हमारे कंटेंट को जानते हैं, हमारी क्वालिटी को जानते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं ये चीज़ें स्पेशली उनके लिए हैं। जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। बट धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाते जा रहा था लेकिन साथ साथ मुझसे लोग भी जुड़ते हुए जा रहे थे। देन प्रशांत सर ने मुझे ज्वाइन करा, देन हम लोगों ने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कोर्सेज लॉन्च करेंगे, मैं जस्ट यूट्यूब पर ऐसे ही नॉर्मली वीडियो बनाता था। फिर हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च करना स्टार्ट करे। सबसे पहले हम लोगों ने कोर्स लॉन्च करा 2019 IIT JEE क्रैश कोर्स। तो वहाँ से हमें काम करने में और भी मज़ा आने लगा क्योंकि लोगों के रिस्पॉन्स इतने अच्छे मिल रहे थे कि हमें काम करने में मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा वो कोर्स ख़त्म हुआ, देन उसके बाद एग्जामिनेशन हुए, एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद जब लोगों का सिलेक्शन हुआ IITs वगैरह में, तो वहाँ से बहुत खुशी मिली। देन उसके बाद हमें काम करने में और भी मज़ा आने लगा। हमने सोचा नहीं यार अब काम तो यही करना है, क्योंकि मैं आपको अगर सीरियसली बताऊँ जो चीज़ें पढ़ाने में मज़ा आता है ना वो मज़ा शायद किसी और चीज़ में नहीं है। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो इस चीज़ में नहीं मिलती। पैसों में आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती होगी लेकिन जिस चीज़ में आपको, जिस काम में अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए ना तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इस काम में सेटिस्फेक्शन मिलता है। देन हम लोगों ने कॉन्टीन्यूसली बहुत सारे रिजल्ट दिए, IIT JEE कोर्स रिजल्ट दिए। देन उसके बाद हम लोगों ने MSc एंट्रेंसेस के कोर्स लॉन्च करे। आई विल टेल यू एवरीथिंग जेन्युइनली इन दिस वीडियो। हम लोगों ने MSc एंट्रेंसेस के कोर्स लॉन्च करे। देन उसके बाद BHU में हम लोगों ने बहुत सिलेक्शन दिए। BHU में सेकेंड AIR हमारे चैनल से था, फर्स्ट AIR प्रशांत सर थे। देन CU CET में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो CU राजस्थान में टॉपर्स हैं उनमें से अंडर 5 कैटेगरी में हमारे लोग हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट टॉपर था 2019 में वो हमारे चैनल से था। देन हर साल ये चीज़ें, चलो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है अगर हम लोग एक भी सिलेक्शन TIFR वगैरह में देते ना तो अंदर से बहुत खुशी होती है क्योंकि वो बहुत बड़े एग्जामिनेशन है। हम लोग कॉन्टीन्यूसली, हमारे यहाँ से एक या दो लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं TIFR इंटरव्यू के लिए और उनका मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू में अभी तक हमने कोई भी सिलेक्शन नहीं दिया। टू बी वेरी जेन्युइन विद यू, हर साल हमारे यहाँ से एक या दो लोग TIFR में बैठते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं बट इंटरव्यू में आउट हो जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव निकालते हैं हमें उसमें ही बहुत खुशी होती है। सो वी आर वर्किंग फॉर इंटरव्यू पर्पज ऑल्सो। हम लोग ट्राई करें कि वीडियोस के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे सकें वो आपको हेल्प करें इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, क्योंकि हम लोग उनसे बातें करते हैं कि फिर हम देखते हैं कि हमारी ये कमी रह गई तो हम उन चीज़ों को पूरा करने के लिए भी काम करते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। देन फाइनली हमें एक सिलेक्शन मिला इस साल ICER मोहाली में, इंटीग्रेटेड PhD में हमने एक सिलेक्शन दिया। जो भी सिलेक्ट हुआ उन्होंने हमारा MSc एंट्रेंसेस का कोर्स ज्वाइन करा था एंड उनके जैम में मार्क्स बहुत खास नहीं थे, 35 मार्क्स थे में बेसिकली वो जैम के स्कोर पे नहीं बुलाते, तो उनको बुलाया गया था इंस्पायर स्कॉलरशिप के बेस पर। तो इंस्पायर पे बेस पर उनको स्कॉलरशिप के लिए बुलाया। बट जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू अपना शेयर करा था कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूछी। तब उन्होंने मेरे को बताया कि सर आपने जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया ना वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछे गए हैं, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन। ग्रुप थ्योरी हम लोगों ने उस कोर्स में डिटेल में कवर नहीं करा था बट रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा कवर किया था। उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आपका मैं लेक्चर देख के गया था वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो रियल एनालिसिस से और लीनियर अलजेब्रा से काफ़ी अच्छा रहा था। ग्रुप थ्योरी उन्होंने सेल्फ स्टडी करा था, गैलियन बुक से पढ़ा था। उन्होंने बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई थी लेकिन एक क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया था। एंड उनका जो इंटरव्यू था वो 43 मिनट चला था। तो वो हमारा फर्स्ट सिलेक्शन था किसी IIT से ऊपर अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उनका सिलेक्शन ICER मोहाली में हुआ है। देन वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो हम लोग उन सब चीज़ों के लिए काम करें कि आप ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर सको, सब्जेक्टिव भी क्लियर कर सको, साथ साथ इंटरव्यू भी क्लियर कर सको। तो ये कुछ था थोड़ा बहुत हमारे चैनल के बारे में। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग CSIR नेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये कोर्स 1st August से स्टार्ट हो रहा है, 1st August
2020. Basically, we are launching two courses from 1st August. One will be your target batch, and another one will be foundation batch. इन दोनों के मैं की पॉइंट आपको लिख के बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. हम लोग आपको डेली 4 वीडियोस देंगे. इसमें सारी वीडियोस रिकॉर्डेड लेक्चर बेस्ड होंगी, कोई भी आपके साथ लाइव लेक्चर नहीं होगा, सारी रिकॉर्डेड वीडियोस है ताकि आपका भी कोई भी टाइम खराब नहीं हो. क्योंकि जो लाइव लेक्चर होते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी भी चीज़ की, जो लाइव लेक्चर होते हैं उनमें स्टार्टिंग में और एंड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम खराब हो जाता है, या किसी के कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो पाते तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम खराब हो जाता है. तो हम लोग सारी की सारी आपके साथ वीडियोस जो होंगी वो रिकॉर्डेड लेक्चर बेस्ड होंगी. ये आपको वीक में 6 डेज मिलेंगी, यानी कि हर एक दिन में आपको 4 लेक्चर मिलेंगे. एक लेक्चर की जो ड्यूरेशन होगी वो ऑन एन एवरेज 40-50 मिनट्स होगी. फाउंडेशन बैच में आपको 2 वीडियोज मिलेंगी 6 डेज. जैसे आपके 6 डे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद संडे आएगा, और हर एक संडे को एक टेस्ट होगा. आपने जितना अभी तक कवर कर लिया उसके बेस पर एक टेस्ट. आपको इस कोर्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप एमएससी के ड्यूरेशन में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं पीएचडी के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे. यहाँ पर भी हम आपके साथ टेस्ट ऑन ईच संडे. देन उसके बाद हम लोग आपको असाइनमेंट देंगे. असाइनमेंट में हम लोग आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन असाइनमेंट में हमारी शर्तें ये रहेंगी, अगर आप कोई भी असाइनमेंट ले रहे हो तो उसके लिए आपको एक सबमिशन की डेडलाइन मिलेगी. अगर आप उस डेडलाइन तक उसको सबमिट करते हो देन यू विल गेट द वीडियो सॉल्यूशन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट. अगर आप हमारे साथ सीरियस होकर काम करोगे तो हम डबल मेहनत आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं आपके साथ काम करने में. तो जो स्टूडेंट असाइनमेंट को सबमिशन डेडलाइन से पहले सबमिट करेगा देन उसको हम लोग वीडियो सॉल्यूशन देंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी गिविंग यू द वीडियो सॉल्यूशन. सो वी विल गिव असाइनमेंट्स with video solution. That will be common in the both the cases, foundation and target batch. Why I have named this as a foundation batch, this as a target batch, I will tell you. This is for if you are studying in third semester of MSc, or if you have passed your MSc, then this batch is especially for you, because this will work for December 2020. आपके मन में आ रहा होगा सर अभी तक तो एग्ज़ाम की डेट ही फिक्स नहीं है, अभी तक जून वाले की फिक्स नहीं तो दिसंबर की कैसे फिक्स हो सकती है. लेकिन अगर एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं तो हमें तो तैयारी करनी है और करवानी है, क्योंकि ये डेट अभी फिक्स नहीं है. कभी ना कभी तो सिचुएशन कंट्रोल में होगी, कभी ना कभी चीज़ें फैमिलियर होंगी, कंफर्टेबल होंगी, देन उसके बाद एग्ज़ाम तो होगा. तो हम लोग दिसंबर 2020 का बैच चला रहे हैं. अगर ये एग्ज़ाम नवंबर में होता है या सेप्टेम्बर में हो जाता है या फिर उससे पहले कभी भी हो जाता है दिसंबर से पहले, तो आपके कोर्स जो होगा वो एक्सपायर नहीं होगा. लेकिन दिसंबर या दिसंबर के बाद जब भी ये एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपका कोर्स एक्सपायर होगा, तो उसकी वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका दिसंबर का एग्ज़ाम नहीं होता. अगर आप नवंबर और दिसंबर का कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है, अगर वो नवंबर में होता है तब भी ये आपका काउंट नहीं होगा. उसके बाद फर्दर जो एग्जामिनेशन होगा तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी. तो इसकी एटलीस्ट वैलिडिटी है दिसंबर तक एंड फर्दर जब तक ये एग्जामिनेशन नहीं हो जाता. एंड दिस फाउंडेशन कोर्स इस फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन. जो लोग फ्रेशर्स हैं अभी अभी एमएससी उन्होंने ज्वाइन करा है, क्योंकि उनको लगता है कि एमएससी के साथ साथ ही अगर हमारा नेट हो जाए, जीआरएफ हो जाए, तो हमें पीएचडी में इजीली एडमिशन मिल सकता है. कहीं ना कहीं उनके जो प्रोफेसर होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि अगर आप अभी नेट क्वालिफाई कर दो या जीआरएफ ले लो तो हम लोग आपकी पीएचडी में सीट सिक्योर करने में हेल्प कर सकते हैं. वो कभी आपको गारंटी नहीं देंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट वाले तो कभी ज़िंदगी में गारंटी नहीं देंगे. तो फाउंडेशन वालों को कहीं ना कहीं इनकी तैयारी करनी पड़ती है. तो अगर आप एमएससी में एडमिशन ले चुके हो, हालांकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा, लेकिन अगर आप आईआईटीज वगैरह में एडमिशन ले चुके हो और ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. सो दिस कोर्स इज स्पेशली फॉर फ्रेशर्स एंड दिस इज़ फॉर दोज हु आर इन थर्ड सेमेस्टर ऑफ एमएससी और दोज हु हैव
पास्ड एमएससी। यहाँ पर हम लोग आपको टेस्ट सीरीज देंगे, दिस टेस्ट सीरीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस टेस्ट और दिस टेस्ट विल बी मॉड्यूल वाइज। दोज टॉपिक्स यू हैव कवर्ड वी विल बी गिविंग यू टेस्ट, बट दिस इज द स्पेशल टेस्ट सीरीज जो आपकी कंप्लीट सिलेबस खत्म होने के बाद आपको मिलेगी। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, कंप्लीट टॉपिक वाइज, देन फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टेस्ट, एंड यहाँ पर भी आपके पास टेस्ट सीरीज होगी। सो दीज आर सम की पॉइंट फॉर दिस कोर्स। नाउ लेट अस कम टू द फीस स्ट्रक्चर फॉर दिस। फीस इज वेरी मिनिमल फॉर बोथ द कोर्सेज। फॉर दिस कोर्स वी चार्ज 7000 रुपीज प्लस 3% इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज। ये जो चार्ज है ये हमारे पास नहीं आता, ये 3% आपको पे करना पड़ेगा। तो टोटल 7000 फीस है हमारी तरफ से, देन 3% इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, एंड द फीस हेयर इज 8000 रुपीज प्लस 3% इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज। यहाँ की फीस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलेंगी। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, और यहाँ पर ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए इसकी फ़ीस ज़्यादा है, बट ऑन एन एवरेज जो फीस है वो बहुत मिनिमल है। अगर आप कंपेयर करो किसी ऑफलाइन कोचिंग से तो बहुत मिनिमल है, और मैं आपको बोलूँगा कि जो ऑफलाइन वाले भी चार्ज करते हैं वो कोई गलत फीस नहीं है। आपके अकॉर्डिंग हो सकता है वो फीस गलत हो, बट मेरे अकॉर्डिंग वो फीस बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप भी उनकी जगह काम करोगे, आपको मैनेजमेंट संभालना है, आपके अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं आपको उनको सैलरी पे करनी है, तो उनके खर्चे कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतनी ज़मीन भी नहीं होती कि वो अपनी ज़मीन पर कोचिंग स्टार्ट करे, तो उनके खर्चे हैं इसलिए वो लोग चार्ज भी ज़्यादा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर वो फीस ज़्यादा चार्ज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके भी खर्चे हैं, उनका मैनेजमेंट है, वो आपको चीज़ें भी कराते हैं, तो दैट इज़ अप टू देम, तो वो फीस भी जस्टिफाइबल है। बट वी विल बी चार्जिंग ओनली 7000 and 8000, दिस इज़ बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर दोज पीपल हु डू नॉट हैव फैसिलिटी टू लीव देयर टाउन। वो अपने शहर को छोड़ नहीं सकते, या बड़े शहर में आकर के तैयारी नहीं कर सकते, वो लोग घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग फीस बहुत मिनिमल रखते हैं। बाकी अगर आप कंटेंट की बात करो, आप कंटेंट कहीं से भी मिला सकते हो। हमारा जो कोर्स है वो 1st August से स्टार्ट होगा। अब पहले आपके पास 8 से 10 दिन होंगे, आप आराम से जिस भी कोचिंग का, जिस भी इंस्टीट्यूशन का डेमो लेना है, आप आराम से सबके डेमो लो। नहीं, उसके बाद एट लास्ट जो 1 August से क्लासेस स्टार्ट होंगी उनके आप 2 से 3, 2, 3, 4 दिन आराम से डेमो लो। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हो तभी आप ज्वाइन करो। आपको लग रहा है कि हमारे कंटेंट में दम है, हमारा कंटेंट उन सब इंस्टीट्यूट से ऊपर है या अच्छा है, तब आप हमारे कोचिंग को या हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। तो ये बात मैं आपसे बोल सकता हूँ कि जो हमारा कंटेंट होगा वो काफ़ी सॉलिड होगा, इसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डीप लेवल में होंगी, एब्स्ट्रैक्ट वे में होंगी और बेसिक से रिलेटेड होंगी। हम लोग अभी तक जो लोग आप में से जो भी लोग हम लोगों को जानते हैं वो लोग जानते हैं कि हम लोग काम किस तरीके से करते हैं, हम लोग कंटेंट किस तरीके से देते हैं, तो उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर हैं उनको तभी समझ में आएगा जब वो हमारी वीडियोज़ देखेंगे। तो आप कोर्स ज्वाइन करने से कम 3-4 वीडियोज़ देखना। पहले स्टार्टिंग हम लोग रियल एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से करेंगे, तो आप पहले आराम से 4-5 लेक्चर उनके डेमो देखो, उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तब आप कोर्स को ज्वाइन करो। और मैं आपसे बिल्कुल बोलूँगा कि आप हमारा देखने से पहले पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कोचिंग्स वगैरह हैं आप उनका डेमो अच्छे तरीके से लो, देन उसके बाद अगर आपको हमारा उनसे अच्छा लग रहा है तब आप ज्वाइन करो। चलिए, ये चीज़ें बात हुई हमारे कोर्स की। अब मैं बताता हूँ कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कवर करेंगे। ये चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ। अगर आप नेट के एग्जामिनेशन में देखो तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये 4 यूनिट पूछी जाती है। यूनिट 1 में हम लोग कवर करेंगे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, दीज आर द मोस्ट वेटेड टॉपिक्स इन सीएसआर नेट एग्जामिनेशन। रियल एनालिसिस 50-65 marks या 50-70 marks तक पूछा जाता है। लीनियर अलजेब्रा ये 45-65 marks तक पूछा जाता है, और दोनों स्कोरिंग टॉपिक है। रियल एनालिसिस थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन लीनियर अलजेब्रा काफ़ी स्कोरिंग है। तो इनकी सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देन अलजेब्रा कवर करेंगे। अलजेब्रा के अगेन कुछ सब पार्ट्स हैं,
ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। देखिए जो आपका टारगेट बैच है उसमें टाइम थोड़ा सा कम रहेगा तो आपको काफ़ी मेहनत करनी है, अगर उसमें टाइम थोड़ा कम पड़ा तो वी कैन लीव द नंबर थ्योरी। वी विल नॉट बी कवरिंग द नंबर थ्योरी इन दैट कोर्स, बट इन द फाउंडेशन कोर्स वी विल बी कवरिंग नंबर थ्योरी, फील्ड थ्योरी एज वेल, बट फील्ड थ्योरी वी विल बी कवरिंग इन बोथ द कोर्सेज। सो दिस इज द डिफरेंस, नंबर थ्योरी वी विल बी कवरिंग इन द फाउंडेशन बैच। अगर आप एक टॉपिक को स्किप भी करके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सारे के सारे टॉपिक नहीं पढ़ सकते। देन यूनिट 3 में आपके अप्लाइड के टॉपिक्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन और इवन से लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये 5 टॉपिक आपके अप्लाइड में है। एंड एक और टॉपिक होता है मैकेनिक्स नाम का, बट वी विल नॉट बी कवरिंग द मैकेनिक्स टॉपिक बिकॉज दे आस्क ओनली 1 or 1 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, बट द पार्ट इज वेरी हैवी, सो वी विल नॉट बी कवरिंग द मैकेनिक्स पार्ट। एंड एट लास्ट द यूनिट 4, दिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट, दैट पार्ट ऑल्सो वी विल नॉट बी कवरिंग इन बोथ द कोर्सेज बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, या तो आप ये चीज़ें कवर कर सकते हो या फिर स्टैट वाला पार्ट कवर कर सकते हो, बट दैट इज़ अ बोनस फॉर दोज हु आर स्टडिंग इन MSc कोर्सेज। अगर आप MSc कोर्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो सो दैट इज़ रियली अ बोनस फॉर यू, आप वहाँ से ईजिली 15 to 25 मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आता है आपका 15 to 20 मार्क्स का एंड रेस्ट पार्ट आपका स्टैटिस्टिक्स का और स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, ये पूछा जाता है। तो अगर आप MSc में पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये फुल्ली आपके लिए बोनस है। एंड साथ साथ LPP भी गिवन है इनके सिलेबस में, LPP में वो हार्डली एक क्वेश्चन पूछते हैं, सो दैट पार्ट वी विल नॉट बी कवरिंग इन दिस कोर्स, दोज वी विल बी कवरिंग इन द गेट कोर्स। दिस इज नॉट अ गेट कोर्स, दिस इज अ CSR नेट कोर्स, सो वी विल नॉट बी कवरिंग यूनिट 4। ये यूनिट 1, 2, 3 आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अच्छी रैंक निकालने के लिए सफिशेंट है। अब यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है कि आप कौन कौन से पार्ट पढ़ के जाने वाले हो। अकॉर्डिंग टू मी आपको 6 to 8 टॉपिक पढ़ने चाहिए, इससे ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं पढ़ने चाहिए। मिनिमम 6 पढ़ो, मैक्सिमम 8 पढ़ो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इन 6 में से जो आपके रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजबरा, ये दोनों आप स्किप नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजबरा आप स्किप नहीं कर सकते। आप चाहे तो नंबर थ्योरी स्किप कर सकते हैं, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी ये पढ़ के जाओ, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट होंगे। आपको जितने भी टॉपिक कवर कराएंगे वो सारे के सारे ऐसे होंगे कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन अटैम्प्ट होने लगेंगे, अगर आप हमारे साथ रेगुलरली मेहनत कर रहे हो तो, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग चीज़ों का लेवल मेंटेन करके चलेंगे। आप सोचो कि अगर आपको पकी पकाई चीज़ें मिल जाएँ तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, एक एक चीज़ हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो आप वो कर सकते हो। आप ये दो टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक एंड इसके अंदर आपके 2-3 टॉपिक आ जाते हैं, तो ये आपके 5 टॉपिक समझ लो, ये आपके मस्ट हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो आप वो कर सकते हो। वी विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स एक्सेप्ट दिस मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड LPP। तो आप यहाँ पर 2 या 3 टॉपिक टारगेट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबल लोग OD और PD टारगेट करते हैं, क्योंकि OD आप ग्रेजुएशन से पढ़ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो, तो OD और PD आप कर सकते हो। न्यूमेरिकल में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, बट वी विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, सो दैट इज़ ऑल अप टू यू कि आप कौन कौन से टॉपिक करना चाहते हो, बट एटलीस्ट 6 और मैक्सिमम 8 कर लो, मोर देन सफिशेंट है। लेकिन जो भी टॉपिक करो वो सॉलिड तैयार होना चाहिए आपका। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 7017497266 और 8218203410। कोई भी डाउट हो तो आप इन पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो मैथमेटिकल पार्सला फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि सर हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है तो हम ऑनलाइन क्लासेस में कैसे उसको दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, एप्लीकेशन पे ग्रुप है, आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। बट उसके बाद भी अगर वो डाउट क्लियर नहीं हो रहा है सो डेली 1 घंटे का डाउट सेशन होता है, आप उस डाउट सेशन में कॉल करके पूछ सकते हो। जो भी फैकल्टी आपको टॉपिक पढ़ा रही होगी आपको उसका नंबर मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, आप उनके पास कभी भी कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो
तो डाउट फैकल्टी के लिए, डाउट डाउट डिस्कशन के लिए हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड अगर कोई मेजर डाउट है, पूरी जितने भी आप लोग पढ़ रहे हो आप सबको ही डाउट आ रहा है, अगर ऐसा कोई डाउट है सो वी विल चेंज दैट लेक्चर, हम लोग उस लेक्चर को रिमूव करके दूसरा लेक्चर देंगे, क्योंकि अगर सबको डाउट आ रहा है तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। सो वी विल चेंज दैट लेक्चर और वी विल रिप्लेस दैट लेक्चर। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं करने के लिए। बस ये कि मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। टारगेट बैच में बहुत ज़्यादा मेहनत है, और फाउंडेशन बैच में अगर आप रेगुलरिटी बना के चल रहे हो तो चीज़ें आपकी इजीली स्मूथली हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, एग्जाम भी क्लियर होगा और आपकी सारी चीज़ें सेव होती जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।